हेलो एवरीवन वेलकम टू जेस्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर थ्री मेजर स्टैम्प तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो स्टूडेंट्स पार्ट टू में हमने क्या सीखा था हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्री ऑफ एनी शेप तो पार्ट टू में मैंने आपको बताया था जैसे अगर ये एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं दैट इज सिंपली द लेंथ ऑफ द बाउंड्री तो हम हर एक साइड का लेंथ निकाल रहे थे और सारे साइड्स के लेंथ को ऐड कर रहे थे टू फाइंड द पेरीमीटर तो चलिए यहां पर कुछ शेप्स हैं उनके पेरीमीटर को हम निकालते हैं पेरीमीटर इज सिंपली लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेप तो सबसे पहले आप बताओ ये एक शेप है इस शेप का बाउंड्री क्या है तो ये इसका बाउंड्री है ठीक है जो इसके आउटलाइन में है तो हमको क्या करना है पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर हमको कैसे मिलेगा लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स जितने भी साइड्स है सबके लेंथ को निकालेंगे और फिर सबको ऐड करेंगे सबसे पहले अगर आप साइड ए बी को देखो तो इसका लेंथ क्या है यहां से लेकर के यहाँ तक लेंथ क्या है सेवन सेंटीमीटर सेवन सेंटीमीटर प्लस तो हमको पूरे इस बाउंड्री का लेंथ निकालना है हमने अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ निकाला नेक्स्ट हम क्या करेंगे इस साइड का लेंथ निकालेंगे वो कितना दिया हुआ है टेन सेंटीमीटर प्लस टेन सेंटीमीटर प्लस नेक्स्ट साइड का लेंथ क्या है सिक्स सेंटीमीटर प्लस नेक्स्ट साइड का लेंथ क्या है फाइव सेंटीमीटर प्लस तो और कोई साइड बचा है आंसर इज नो सारे साइड्स को हमने कंसिडर कर लिया सो दिस इज सेवन प्लस टेन प्लस सिक्स प्लस फाइव तो पेरीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा तो so, अब हम टोटल सम निकालते हैं सेवन प्लस टेन क्या होता है सेवनटीन सेंटीमीटर प्लस सिक्स प्लस फाइव क्या होता है इलेवन सेंटीमीटर तो टोटल कितने हो गए सेवेंटीन प्लस इलेवन इट इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर सो वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप और फिगर आंसर इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर एक चीज ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पर मेजरमेंट्स लिखे हैं दैट इज द लेंथ लंबाई है हर एक साइड का जैसे सिक्स सेंटीमीटर यहाँ मैंने लिखा था इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है डी सी इसका ये लंबाई है दैट इज सेंटीमीटर तो एक और एग्जाम्पल करते हैं यहां पर भी मैंने साइड्स के लेंथ को लिखा है मतलब लंबाई मैंने यहां पर लिखी है हर साइड का क्या लेंथ है वो मैंने यहां लिखा है तो अब हमको पेरीमीटर निकालना है पेरीमीटर इज द टोटल सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर तो सबसे पहले हमको पूरा बाउंड्री जो है अगर आप यहां से कैलकुलेट करो ऐड करते चले जाओ इस तरह से इस तरह से ऐड करते चले जाओ तो फिर वो टोटल बाउंड्री का क्या लेंथ आएगा वो आपको निकालना है तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर सिमिलरली यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये यह जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर तो हम क्या करेंगे सिंपली सारे साइड्स को ऐड कर देंगे सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं साइड एन एम तो क्या होगा दैट इज फाइव सेंटीमीटर प्लस नेक्स्ट साइड का लेंथ क्या है सिक्स सेंटीमीटर प्लस नेक्स्ट साइड का लेंथ क्या है फाइव सेंटीमीटर प्लस नेक्स्ट साइड का लेंथ क्या है टू सेंटीमीटर प्लस कोई और साइड है यहां पर एक और साइड है विच इज थ्री सेंटीमीटर तो टोटल लेंथ क्या आ गया स्टूडेंट्स दैट इज फाइव प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस टू प्लस थ्री फाइव प्लस सिक्स क्या होता है इलेवन सेंटीमीटर प्लस फाइव प्लस टू क्या होता है सेवन सेंटीमीटर प्लस थ्री सेंटीमीटर तो यहां पर क्या आ गया इलेवन सेंटीमीटर प्लस सेवन सेंटीमीटर क्या होता है स्टूडेंट ट्वेंटी वन सेंटीमीटर तो इस फिगर या शेप का पेरीमीटर क्या आया इक्वल टू ट्वेंटी वन सेंटीमीटर तो ये तो था पेरीमीटर नेक्स्ट हम ग्रिड लाइंस के सहारे इन शेप्स के एरिया को निकालना सीखेंगे और देखेंगे किस शेप का एरिया ज्यादा है किस शेप का एरिया कम है तो वो अब हम नेक्स्ट सीखेंगे सबसे पहला टॉपिक क्या है मेजर लुक एट इंटरेस्टिंग तो यहां पर कुछ स्टैम्प्स दिए हुए हैं दिस इज स्टैम्प ए दिस इज बी दिस इज सी डी एंड एफ और ये जो लाइन आप देख रहे हो दिस वी कॉल एज ग्रिड लाइन्स तो ये जो लाइन देख रहे हो आप दीज लाइन्स

अब आपको क्या फाइंड आउट करना है हाउ मेनी स्क्वास ऑफ वन सेंटीमीटर साइड डज स्टैंप ए कवर तो क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्स ऑफ वन सेंटीमीटर साइड डज स्टैंप ए कवर मतलब जो स्टैंप ए है वो कितने स्क्वायर्स कवर कर रहा है जहां पर हर स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है दैट इज वन सेंटीमीटर तो स्टूडेंट्स पार्ट टू में हमने देखा था इस तरह का एक स्क्वायर जहां पर जो लेंथ था वो कितने के बराबर था साइड का लेंथ

वो कह रहा है जितने भी सारे स्क्वायर्स हैं उसका साइड का लेंथ वन सेंटीमीटर है मतलब अगर आप इस वाले स्क्वायर को देखोगे तो इस स्क्वायर के जो साइड का लेंथ है दैट इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर और इस तरह के काफी सारे यहां पर स्क्वास हैं तो जो स्टैम्प ए है वो कितने स्क्वायर्स को कवर कर रहा है तो यहाँ पर हर एक स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है दैट इज वन सेंटीमीटर ठीक उसी तरह से ये जो स्क्वायर है इसके साइड का लेंथ भी वन सेंटीमीटर है

रूलर ले सकते हो और चेक कर सकते हो तो जीरो को एक साइड के अगेंस्ट रख दो और जो दूसरा साइड है देखो वो कहां तक एक्सटेंड हो रहा है या उसका लेंथ कितना है तो ये है जीरो और ये है वन सेंटीमीटर तो मतलब ये जो स्क्वायर आया इसका एक साइड का लेंथ क्या आया वन सेंटीमीटर अब आपको बाकी का निकालने का जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर में हर एक साइड का लेंथ इक्वल होता है तो एक साइड का लेंथ निकल गया तो सारे साइड का लेंथ भी वही होगा ठीक है तो देखते हैं कि स्टैंप ए कितने ऑफ साइड वन सेंटीमीटर लेंथ कवर कर रहा है तो सबसे पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो स्टैम्प ए कितने स्क्वायर्स कवर कर रहा है ऑफ वन सेंटीमीटर साइड लेंथ दैट इज इक्वल टू एटीन एटीन स्क्वास इसको आप एक और तरीके से निकाल सकते हो आप इस तरह से सिंपली काउंटिंग करके निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो तो टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स दिस इज फर्स्ट रो दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं तीन और आप देखो हर रो में कितने स्क्वायर्स हैं तो हर रो में कितने स्क्वायर्स हैं तो अगर मैं इस वाले रो की बात करूँ अगर मैं इस वाले रो की बात करूँ तो इसमें कितने स्क्वायर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स

स्टैम्प बी कितनेटीमीटर कवर कर रहा है स्टैम्प तो बी यहां पर भी जो स्क्वायर है उसका जो साइड है उसका लेंथ क्या है वन सेंटीमीटर तो इस ग्रिड में जितने भी आप स्क्वास देख रहे हो भले वो ये स्क्वायर हो या फिर ये स्कवायर हो जो भी स्क्वायर इस ग्रिड में आप देखोगे उस स्क्वायर का जो साइड का लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू वन सेंटीमीटर तो ये जो बी है स्टैम्प बी यहां पर भी जो स्क्वायर्स हैं ये जो स्क्वायर है एक ये स्क्वायर है दूसरा ये स्क्वायर है तो इस तरीके के जितने भी स्क्वायर्स हैं उनका जो साइड का लेंथ है दैट इज वन सेंटीमीटर सारे साइड्स के लेंथ वन सेंटीमीटर होंगे तो स्टैम्प बी कितने स्क्वायर्स को कवर कर रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो स्टैम बी कवर कर रहा है कितना एट स्क्वायर्स। तो इस तरीके से एक एक करके काउंटिंग करके आप निकाल सकते हो दूसरा तरीका यह है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो काउंट करो कितने रोज हैं बताओ इस स्टैम्प बी में वन टू थ्री फोर टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं फोर और हर रो में कितने स्क्वायर्स हैं तो कोई भी रो को पकड़ो देखो कितने स्क्वायर हैं वन टू इस रो में भी देखो हर एक रो में कितने स्क्वास अगर इस रो की मैं बात करूं कितने हैं वन टू तो हर एक रो में टू स्क्सोर मल्टीप्लाइडलीक्वल टू एट तो स्टैम्प बी कितना स्क्वायर कवर कर रहा है एट स्क्वास इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो तो so, नेक्स्ट हम बाकी सारे स्टैंप्स के लिए भी निकाल लेते हैं सबसे पहले ए के लिए कितने नंबर ऑफ स्क्वायर आए थे दैट वाज एटीन स्कवायर्स स्टैम्प बी कितना स्क्वायर्स कवर कर रहा था दैट वॉज एट स्क्वायर्स नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टैम्प डी तो स्टैम्प डी कितने स्क्वायर्स कवर कर रहा है स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ रोज हैं वन टू थ्री डायरेक्टली करते हैं थ्री रोज और हरेक रो में कितने स्टैम्प्स हैं वन टू थ्री फोर अब देखो हरेक रो में फोर स्टैम्प्स हैं तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर दैट इज सिंपली ट्वेल्व स्टैम्प डी कवर्स ट्वेल्व स्क्वास वेर एवरी स्क्वायर इज ऑफ साइड लेंथ वन सेंटीमीटर हर एक स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है दैट इज वन सेंटीमीटर इसको आप काउंटिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो सिंपली काउंट कर लो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो इस स्टैंप के अंदर है दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो यहां पर भी यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एज ट्वेल्व नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं फॉर स्टैम्प सी तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने कवर हो रहे हैं तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पर वन टू और हर एक रो में कितने स्क्वायर्स हैं वन टू थ्री एक रो में तीन स्क्वायर्स हैं सो टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री विच इज इक्वल टू सिक्स तो स्टैम्प सी कितना स्क्वायर्स कवर कर रहा है सिक्स स्क्वायर्स नेक्स्ट इज स्टैंप एफ अब एफ स्टैम्प को देखते हैं सिंपली टोटल नंबर ऑफ रोज निकाल लो कितने रोज हैं वन टू थ्री फोर फोर रोज हैं और हर एक रो में देखो कितने स्क्वायर्स हैं सो दैट इज वन टू थ्री एक रो में तीन स्क्वायर्स हैं दैट इज फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री विच इज सिंपली इक्वल टू ट्वेल्व सो स्टैम्प एफ कवर्स ट्वेल्व स्क्वायर्स नेक्स्ट बचा है स्टैंप ई e, तो इसका भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टैम्प e में सबसे पहले टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर 2 2, 4. So e 4 वो क्या बोल रहा है स्टैंप डी कवर्स ट्वेल्व ऑफ साइड वन सेंटीमीटर सो द एरिया ऑफ स्टैम्प डी इज स्क्वायर सेंटीमीटर स्टैम्प डी कितने स्क्वाय कवर कर रहा था ट्वेल्व स्क्स और हर एक स्क्वायर की साइड की लेंथ क्या है तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो ये एक स्क्वायर है तो हर एक स्क्वायर का साइड का लेंथ क्या है वन सेंटीमीटर ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड वन सेंटीमीटर सो द एरिया ऑफ स्टैम्प डी इज ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर तो स्टैम्प डी टोटल ट्वेल्व स्क्वास कवर कर रहा है जहां पर हर स्क्वायर का साइड का लेंथ है वन सेंटीमीटर सो देयर फोर वी से एरिया ऑफ स्टैंप डी इज ट्वेल्व तो ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो नेक्स्ट इज विच स्टैंप हैज द बिगेस्ट एरिया कौन सा स्टैंप का जो एरिया है दैट इज द बिगेस्ट तो उसके लिए हम सारे स्टैंप्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंप डी का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है दैट इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर नेक्स्ट स्टैंप ए का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो स्टैंप ए कवर्स 18 स्क्वेयर्स वेयर ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड वन सेंटीमीटर लेंथ सो देयरफॉर एरिया ऑफ स्टैंप ए इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर तो यहां पर हम लिखेंगे 18 स्क्वायर सेंटीमीटर क्योंकि ये 18 स्क्वायर कवर कर रहा है और हर एक स्क्वायर का साइड का लेंथ है 1 सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ स्टैंप ए इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर निकालना तो हमने आपको सिखाया था कि सिंपली जो बाउंड्री का लेंथ है दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर तो उसके लिए हर एक साइड का लेंथ आप एड कर लो यू विल गेट द देरीमीटर तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर हम एरिया निकालते हैं और पेरीमीटर भी निकालते हैं तो यहाँ पर कुछ शेप्स हैं चलिए हम उनका एरिया और पैरिमीटर निकालते हैं सबसे पहले इसका तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड या फिर जो साइड का लेंथ है मल्टीप्लाइड बाई अगेन द लेंथ ऑफ साइड और साइड स्क्वायर और साइड स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिखते हैं तो साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड इट इज सिंपली इक्वल टू साइड स्क्वायर और साइड स्क्वायर को हम इस तरीके से लिखते हैं तो सबसे पहले हमको इसका एरिया निकालना है तो मैं इसका एरिया निकालता हूँ इसका एरिया क्या होगा दैट इज सिंपली साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड तो स्टूडेंट्स बताओ इस स्क्वायर में एक साइड का लेंथ क्या दिया हुआ है टू सेंटीमीटर दिया हुआ है सो टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई टू सेंटीमीटर दैट इज सिंपली इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज फोर और यहां हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर जब सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर होता है इट बिकम्स सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से हम लिखते हैं इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो फोर या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो स्टूडेंट्स ये जो फिगर है उसका एरिया क्या आया एरिया क्या होता है द रीजन दैट इज एनक्लोज बाय दैट शेप मतलब ये जो शेप है जो रीजन अंदर में कवर करता है उसको हम बोलते हैं एरिया तो ये जो शेडेड पोर्शन मैंने बनाया है ये हमारा एरिया है और ये कितने के बराबर आया फोर स्क्वायर सेंटीमीटर और फोर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आया तो फॉर्मूला क्या है इट इज सिंपली साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड और सिंपली साइड स्क्वायर तो टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई टू सेंटीमीटर विच इज सिंपली फोर सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर इज सिंपली द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस फिगर तो इसका पूरा बाउंड्री का लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे सारे साइड्स के जो लेंथ है उनको ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा पेरीमीटर सबसे पहले इस साइड से शुरू करते हैं तो ये साइड का लेंथ क्या है टू सेंटीमीटर प्लस इस साइड को इस साइड का लेंथ क्या है टू सेंटीमीटर प्लस इस साइड का लेंथ क्या है टू सेंटीमीटर प्लस ये वाले साइड का लेंथ क्या है टू सेंटीमीटर तो कितना आ गया टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू विच इज सिंपली एट सेंटीमीटर तो आपका एक सवाल हो सकता है स्टूडेंट्स कि सर पेरीमीटर के के केस में आपने यहाँ लिख दिया एट सेंटीमीटर बट एरिया के, के केस में आपने लिखा था टू मल्टीप्लाइड बाई टू फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा क्यों यहाँ पर हम फोर एट सेंटीमीटर लिख रहे हैं और यहाँ पर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं ऐसा क्यों तो यहाँ पर पेरीमीटर निकालने के लिए हम सिंपली एडिशन कर रहे हैं और एरिया निकालते समय हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं इसीलिए यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है पेरीमीटर में हम सिंपली एडिशन करते हैं जैसे 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर वहां हम ये नहीं कहते 200 किलोमीटर स्क्वायर बिकॉज वहां पर हम एडिशन कर रहे हैं यहां पर भी हम सिंपली एड कर रहे हैं तो टू सेंटीमीटर प्लस टू सेंटीमीटर इज फोर सेंटीमीटर प्लस टू सेंटीमीटर इज सिक्स सेंटीमीटर प्लस टू सेंटीमीटर इज एट सेंटीमीटर इसीलिए इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर पर जब हम एरिया निकालते हैं तो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड तो एक साइड की क्या लेंथ है टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई अगेन लेंथ ऑफ साइड विच इज अगेन टू सेंटीमीटर तो टू को टू से आप मल्टीप्लाई करोगे वॉट यू विल गेट टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज सिंपली फोर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर दिस बिकम्स सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज फोर सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट इस वाले फिगर को देखते हैं और इसका हम एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं यहां पर सारे स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड का लेंथ है वन सेंटीमीटर तो ये वन सेंटीमीटर है तो ये भी वन सेंटीमीटर होगा सिमिलरली ये भी वन सेंटीमीटर यह भी वन सेंटीमीटर यह भी वन सेंटीमीटर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे सर यहां पर तो एक स्क्वायर नहीं है जैसे यहां पर क्या था यहां पर सिर्फ एक ही स्क्वायर था बट यहां पर क्या है कितने स्क्वायर्स हैं वन टू थ्री फोर फोर स्क्वायर्स हैं तो इसका हम एरिया कैसे निकालें तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो जहां पर बहुत सारे स्क्वायर्स हो तो आपको कैसे निकालना है सबसे पहले तो एक स्क्वायर का एरिया निकाल लो तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर एक स्क्वायर का एरिया निकाल लो तो सपोज करते हैं ये जो फिगर है इसके अंदर कितने है? One, two, three, so हैं हैं तो सपोज करते हम एक स्क्वायर का एरिया निकालते हैं इस वाले स्क्वायर का हम एरिया निकालते हैं एरिया का का मतलब है इसके अंदर पोर्शन या रीजियन जो ये कवर कर रहा है तो इसका एरिया सबसे पहले निकालेंगे तो एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड याद रखना स्टूडेंट्स मैं अभी के लिए सिर्फ इस वाले स्क्वायर का एरिया निकाल रहा हूं इसके बाद हम पूरे का एरिया निकालेंगे तो साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड सबसे पहले बताओ ये जो स्क्वायर है इसका साइड का लेंथ क्या है सेंटीमीटर इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो साइड साइड सो सेंटीमीटर मल्टीप्लाइडी सेंटीमीटर कैसे करोगे सबसे पहले वन मल्टीप्लाइड बाई वन इस वन और सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या आया वन सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वन स्क्वायर सेंटीमीटर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ये दोनों ही तरीके हैं लिखने के तो एरिया आया वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ वन स्क्टीमी अब सारे तो यहाँ पर आइडेंटिकल हैं एक जैसे हैं तो एक का निकाल लो तो फिर बाकियों का भी इजीली निकल जाएगा तो सबसे पहले ये जो बड़ा फिगर है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वास कितने स्टूडेंट्स वन टू थ्री फोर फोर स्क्वायर है तो फोर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन स्क्वायर जो अभी हमने निकाला था विच इज वन सेंटीमीटर स्क्वायर अब देखो सिंपली फोर मल्टीप्लाइड बाय वन इज फोर यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर क्या है यहां पर कोई सेंटीमीटर नहीं है कुछ नहीं है तो हमको सेंटीमीटर मल्टीप्लाई नहीं करना तो जो था उसको एज इट इज लिख दो फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ फिगर कैसे निकाला स्टूडेंट्स हमने आपको समझ आया सबसे पहले क्या किया हमने इस पूरे फिगर के अंदर एक स्क्वायर का एरिया एरिया निकाल लिया ऑफ स्क्वायर इज एरियामीटर मल्टीप्लाइड बाई वन सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर इज सिंपली वन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अब क्या करना है हमको पता है इस पूरे फिगर में चार इस तरह के स्क्वायर्स हैं चार इस तरह के स्क्वायर्स हैं तो फोर मल्टीप्लाइड बाई चार हैं तो क्या करेंगे दो तरीके हैं या तो मल्टीप्लीकेशन से कर लो या एडिशन से कर लो तो हमको पता है कि जितने भी सारे चार स्क्वायर से सब एक जैसे हैं तो ये जो स्क्वायर है ये जो स्क्वायर है ये तीनों ही इसके जैसे हैं तो सारे एक जैसे हैं मतलब एक जैसे हैं तो सबका एरिया भी सेम होगा तो सबका एरिया ऐड कर दो तो वन स्क्वायर का एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका एरिया दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका एरिया दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका एरिया दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अब चूंकि ये एडिशन है तो यहाँ पर सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मैंने आपको अभी बताया मल्टीप्लिकेशन के केस में सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर लेकिन एडिशन के केस में क्या होता है 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इट रिमेंस सेम एट सेंटीमीटर टू ऐसा फोर नहीं हुआ It was simply तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं तो दो तरीके हैं दोनों में बताता हूं एक तरीका यह है दूसरा तरीका यह है यहाँ पर क्या कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं तो वन प्लस वन टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर अब चूंकि एडिशन है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा ये नहीं चेंज होगा ठीक तो है तो एरिया ऑफ फिगर क्या आया फोर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो तो इस पूरे फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्स कितने हैं चार हैं हर एक स्क्वायर का एरिया क्या है वन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फोर मल्टीप्लाइड बाई वन सेंटीमीटर स्क्वायर फोर मल्टीप्लाइड बाई वन इज फोर और सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर है सेंटीमीटर स्क्वायर सो दैट इज सिंपली फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहां पर आपका क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने मल्टीप्लाई किया तो भी यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख दिया आपने बोला था जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर एडिशन के केस में चेंज नहीं होता तो वन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस वन सेंटीमीटर स्क्वायर सिंपली होगा टू सेंटीमीटर स्क्वायर बट मल्टीप्लीकेशन के केस में तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है तो यहां आपने फोर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख दिया आंसर है कि फोर को वन से मल्टीप्लाई किया हमको मिला फोर बट यहां पर तो कुछ है ही नहीं यहां पर क्या है सिंपली फोर था और हर एक स्क्वायर का एरिया क्या था वन सेंटीमीटर स्क्वायर था तो इज स्क्वाप्लाइड और यहां पर कुछ है ही नहीं और यहां पर हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर तो सिंपली यहां पर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वाप्लाइड बाई वन सेंटीमीटर स्क्वायर इज फोर सेंटीमीटर स्क्वायर इस फिगर का पेरिमीटर निकाल लेते हैं क्विकली तो पेरिमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री तो हर एक साइड का लेंथ निकालेंगे तो टोटल चार साइड है इस पूरे फिगर में तो सबका हम लेंथ निकालेंगे और सबको फिर हम ऐड कर देंगे तो हर एक साइड का लेंथ निकालते हैं सबसे पहले इस साइड का टोटल लेंथ क्या होगा तो यहां से लेकर के यहां तक वन सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वन सेंटीमीटर है तो टोटल लेंथ क्या आ गया इस पूरे साइड का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक दैट इज वन प्लस वन विच इज टू सेंटीमीटर तो इस साइड का लेंथ क्या आ जाएगा तो ये भी है वन सेंटीमीटर और ये भी है वन सेंटीमीटर तो वन प्लस वन टू सेंटीमीटर इस साइड का लेंथ क्या होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वन सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वन सेंटीमीटर है तो वन प्लस वन टू सेंटीमीटर और एडिशन कर रहे हैं तो इट विल रिमेन सेंटीमीटर सिमिलरली इस इस साइड का लेंथ निकालते हैं तो दिस इज़ वन सेंटीमीटर एंड दिस इज वन सेंटीमीटर वन प्लस वन इट इज सिंपली टू सेंटीमीटर अब हर एक साइड का लेंथ निकल गया तो सारे साइड्स को ऐड कर दो तो सबसे पहले इस साइड से शुरू करते हैं दैट इज टू सेंटीमीटर प्लस इस साइड का लेंथ क्या आया पूरा टोटल टू सेंटीमीटर प्लस इस साइड का लेंथ क्या है टू सेंटीमीटर प्लस इस साइड का लास्ट वाले साइड का लेंथ क्या आया टू सेंटीमीटर तो टू सेंटीमीटर प्लस टू सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्लस टू सेंटीमीटर 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 प्लस टू सेंटीमीटर इज एट सेंटीमीटर अब एड कर रहे हैं सेंटीमीटर विल रिमेन सेंटीमीटर एक और एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट्स इस फिगर का एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं इस फिगर के अंदर चार स्क्वास हैं और हर एक स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है दैट इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर मतलब इस स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ टू सेंटीमीटर है तो ये ये साइड भी टू सेंटीमीटर हो जाएगा ये साइड भी टू सेंटीमीटर और ये साइड भी टू सेंटीमीटर सिमिलरली ये भी स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ टू सेंटीमीटर है तो अब हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे इस पूरे फिगर का तो पूरे फिगर का एरिया निकालने से पहले कैसे करते हैं मैंने आपको क्या बताया जब एक ही स्क्वायर हो तब तो बहुत आसान है लेकिन अगर इस तरह का फिगर हो जहां पर उसके अंदर में बहुत सारे स्क्वायर्स हो तो कैसे निकालते हैं एक स्क्वायर का एरिया निकाल लो तो हम इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं इस वाले स्क्वायर के अंदर क्या पोर्शन कवर हो रहा है तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड इस वाले स्क्वायर का साइड का लेंथ क्या है टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई अगेन साइड विच इज टू सेंटीमीटर अब क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टू मल्टीप्लाइड बाई टू इट इज फोर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर अब यहां पर चूंकि मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फोर स्क्वायर सेंटीमीटर तो ये दोनों तरीकों से आप एरिया को लिख सकते हो तो एक स्क्वायर का एरिया क्या आया फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो पूरे फिगर का एरिया क्या आएगा तो टोटल जो एरिया होगा एरिया ऑफ फिगर वो क्या होगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ पूरे फिगर का क्या होगा पूरे फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं सारे स्क्वायर्स एक जैसे हैं तो कितने हैं वन टू थ्री फोर फोर स्क्वायर्स हैं और सारे एक जैसे हैं। अब एक स्क्वायर का एरिया क्या आया था फोर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट विल बी सिंपली हम क्या करेंगे इसको यहां लिखेंगे 16 इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो सिक्सटीन स्क्वायर सेंटीमीटर सो टोटल एरिया ऑफ फिगर क्या आया सिक्सटीन

या सिंपली फॉर्मूला से निकाल लो तो सारे साइड्स का लेंथ निकाल लेते हैं सबसे पहले इस वाले साइड का लेंथ क्या होगा टू प्लस टू विच इज फोर सेंटीमीटर प्लस नेक्स्ट साइड का लेंथ क्या है तो ये भी टू सेंटीमीटर है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये भी टू सेंटीमीटर है तो इस पूरे साइड का लेंथ क्या आ गया टू प्लस टू विच इज फोर सेंटीमीटर प्लस ये वाले साइड का क्या लेंथ होगा ये साइड का तो दिस इज टू सेंटीमीटर और दिस इज ऑल्सो टू सेंटीमीटर तो टू प्लस टू क्या हो गया फोर सेंटीमीटर तो थर्ड साइड का भी लेंथ आया फोर सेंटीमीटर प्लस फोर्थ साइड का लेंथ क्या होगा तो यहां से लेकर के यहां तक है टू सेंटीमीटर और ये लेंथ क्या है तो ये भी है टू सेंटीमीटर तो इस साइड का टोटल लेंथ क्या आया टू सेंटीमीटर प्लस टू सेंटीमीटर विच इज टोटल फोर सेंटीमीटर फोर्थ साइड का लेंथ आया फोर सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा तो अब एडिशन कर रहे हैं तो सेंटीमीटर विल रिमेन सेंटीमीटर फोर प्लस फोर एट प्लस फोर ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन तो पेरीमीटर क्या आया इस फिगर का सिक्सटीन सेंटीमीटर तो इस फिगर का पेरीमीटर आया सिक्सटीन सेंटीमीटर और इस फिगर का एरिया आया सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर और सिक्सटीन स्क्वायर सेंटीमीटर तो यहां पर हम क्या कर रहे थे यहां पर सारे स्टैंप्स का एरिया निकाल रहे थे जैसे स्टैम्प ए का एरिया हम निकालेंगे तो कैसे होगा तो सबसे पहले यहां पर भी देखो ये क्या है एक फिगर जैसा है जहां पर बहुत सारे स्क्वायर्स हैं छोटे छोटे और सब स्क्वायर्स एक जैसे हैं तो आप क्या करोगे मैंने अभी आपको क्या सिखाया सबसे पहले एक स्क्वायर का एरिया निकाल लो मतलब इसका एरिया निकाल लो तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड तो इसका हम एरिया निकालते हैं दैट इज सिंपली साइड एस लिख रहा हूं मैं साइड समझ लो ये साइड है मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा क्या है साइड 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 सेंटीमीटर 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 अगेन इज क्योंकि हर एक के बराबर है तो इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा वन मल्टीप्लाइड बाई वन क्या होगा वन और फिर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर क्या होगा वन सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर तो एक स्क्वायर का एरिया क्या आया एक छोटा स्क्वायर का एरिया क्या आया? अब सारे इसके जैसे ही हैं, इस के अंदर जितने भी हैं, इसके जैसे हैं तो टोटल तो अब पूरे का हम एरिया निकालेंगे कैसे टोटल नंबर ऑफ स्क्स कितने हैं यहाँ पर एटीन और एक का क्या एरिया आया हर एक स्क्वायर का क्या एरिया आया था

तो नेक्स्ट हम स्टैम बी का एरिया निकालते हैं तो यहाँ पर भी एक फिगर है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं और सब एक जैसे हैं तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे तो इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड तो यहाँ पर एक साइड का लेंथ क्या है वन सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई अगेन साइड तो साइड का लेंथ क्या है वन सेंटीमीटर तो फिर से क्या होगा वन सेंटीमीटर सेंटीमीटर इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर तो एक छोटा स्क्वायर का एरिया क्या आया वन सेंटीमीटर स्क्वायर अब हमको पूरे फिगर का एरिया निकालना है तो इस पूरे फिगर में कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट तो इस पूरे फिगर में टोटल कितने हैं एट स्क्वायर्स हैं तो इस पूरे फिगर में टोटल एट स्क्वास हैं और हर एक स्क्वायर का एरिया हमने क्या कैलकुलेट किया वन सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वाप्लाइड बाई वन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इज पर सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर कुछ भी नहीं है एट के बाद तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर तो बी का एरिया क्या आया स्टूडेंट्स एट सेंटीमीटर स्क्वायर ए का क्या आया था एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट अब हम निकालते हैं स्टैम्प सी का एरिया तो यहाँ पर भी चूंकि हमें पता है स्टूडेंट्स की सी में भी जो स्क्वायर्स हैं अंदर के वो सारे एक जैसे हैं तो ए में जो स्क्वायर है बी में जो स्क्वायर है ये छोटे जो स्क्वायर्स हैं और सी में जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं सब एक जैसे हैं तो बार बार आपको यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि ये जब एक जैसे हैं बी के अंदर का छोटा स्क्वायर और सी के अंदर का छोटा स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं तो दोनों का एरिया भी एक जैसा होगा तो बार बार मत निकालो यहाँ पर तो क्या करेंगे सिंपली देखेंगे सी में टोटल कितने छोटे स्क्वायर्स हैं दैट इज करेक्ट हमने यहाँ निकाला था दैट वॉज सिक्स मल्टीप्लाइड बाई हर एक स्क्वायर का एरिया क्या है वो तो हमने निकाला नहीं लेकिन हमको पता है कि ये जो छोटा स्क्वायर है ये इसके जैसा है और अभी हमने बी के लिए निकाला था तो बी का जो छोटा स्क्वायर था उसका एरिया क्या आया था वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो सी का भी जो एक छोटा स्क्वायर होगा उसका एरिया क्या होगा दैट विल बी वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वट इज सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वन इट इज सिंपली सिक्स सिक्स के बाद कुछ नहीं है और वन के बाद है वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो टोटल यहाँ हो जाएगा सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ स्टैम्प सी क्या आया सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट स्टैम्प डी का एरिया हमने निकाल रखा है तो स्टैम्प डी का एरिया है ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर एक बार फिर से देख लेते हैं तो ये पूरा फिगर है स्टैम्प डी तो सबसे पहले इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं ट्वेल्व और यहाँ पर भी हर एक स्क्वायर का एरिया क्या है स्टूडेंट्स तो ये स्क्वायर इसके जैसा ही है तो इसका जो एरिया होगा इसके बराबर होगा विच मीन सिंपली वन सेंटीमीटर स्क्वायर 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा 12 और यहाँ पर चूंकि कुछ नहीं है और यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्टैम्प डी इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर सिमिलरली हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्टैम्प ई कितने स्क्वायर हैं स्टैम्प ई के अंदर चार हर एक स्टैंप का एरिया क्या होगा सारे ही स्क्वायर्स यहाँ पर सेम है तो ये भी वन सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा ई e फिगर के अंदर एक छोटा स्क्वायर का एरिया है वन सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल चार छोटे स्कवायर हैं तो टोटल एरिया ऑफ फिगर क्या होगा फोर मल्टीप्लाइड बाई वन विच इज सिंपली फोर मल्टीप्लाइड और यहां पर है सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहां पर भी आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या आया फोर सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट है स्टैंप एफ तो स्टैम्प एफ में टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितने हैं ट्वेल्व और हर एक स्मॉल स्क्वायर का एरिया क्या है यहाँ पर वन सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज ये और ये ये दोनों सेम है इसका हमने निकाला था वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पर भी होगा वन सेंटीमीटर स्क्वायर ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई वन इज सिंपली ट्वेल्व यहाँ पर कुछ है नहीं ट के बाद तो यहाँ पर जो है उसको लिख दो दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ स्टैम्प एफ इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर तो स्टूडेंट्स हमने सारे स्टैम्प्स का एरिया निकाल लिया और यहाँ पर मैंने सारे स्टैम्प्स का एरिया लिख दिया है तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया बताओ इनमें से कौन सा स्टैम्प है जिसका सबसे ज्यादा एरिया है दैट इज क्लियरली स्टैम्प ए इसका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए सो स्टैम्प ए हैज द बिगेस्ट एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर तो स्टैम्प ए कितने स्क्वायर्स कवर करता है ऑफ साइड वन सेंटीमीटर हमने निकाला था एटीन स्क्वायर्स तो यहां पर आप क्या लिखोगे एटीन स्क्वायर्स उसके बाद हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैंप तो जो बिगेस्ट स्टैंप है उसका एरिया आपको निकालना है तो जो बिगेस्ट स्टैंप है वो कौन सा है दैट इज ए उसका एरिया क्या है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और 18 स्क्वायर सेंटीमीटर दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया कौन से ऐसे दो स्टैम्प्स हैं जिनके एरिया सेम हैं इसमें देखो और बताओ स्टैम्प डी और स्टैम्प एफ आप देखो इन दो स्टैम्प्स का एरिया सेम है दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 स्क्वायर सेंटीमीटर तो यहां पर मैं लिखूंगा डी एंड उसके बाद हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दी स्टैम्प तो वो पूछ रहा है कि डी और एफ ये जो दो सेम एरिया के स्टैम्प हैं, तो उनका हरेक का एरिया क्या है That is simply 12 और 12 और एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर तो स्मॉलेस्ट स्टैम्प कौन सा है स्टूडेंट्स उसका एरिया हमको निकालना है तो यहीं से देख के आप बताओ सबसे कम एरिया किसका है ई e स्टैंप का है तो यहां पर पूछ रहा है जो सबसे छोटा स्टैंप है है कौन सा है और उसका एरिया क्या है तो सबका एरिया हमने निकाला था और हर एक स्टैंप कितने नंबर ऑफ स्क्वास कवर कर रहा है वो भी हमने निकाला था तो सबसे छोटा स्टैंप कौन सा होगा जो सबसे कम नंबर ऑफ स्क्वायर कवर करेगा सबसे कम नंबर ऑफ स्क्वायर कौन कवर कर रहा है बताओ स्टूडेंट्स ए एट्टीन स्क्वायर्स कवर कर रहा है डी ट्वेल्व स्क्वास कवर कर रहा है ई फोर स्क्वास कवर कर रहा है बी एट स्क्स कवर कर रहा है सी सिक्स स्क्वास कवर कर रहा है और एफ ट्वेल्व स्क्वास कवर कर रहा है तो सबसे कम नंबर ऑफ स्क्वास कौन कवर कर रहा है आंसर इज ई ये सिर्फ स्क्वायर कवर कर रहा है चार छोटे स्क्वायर हैं इसके अंदर तो इसका एरिया क्या होगा तो इसका एरिया हमने निकाला था क्या था दैट इज फोर सेंटीमीटर स्क्वायर

स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो या फिर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर तो दोनों तरीकों से लिख सकते हो मैं यहाँ एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूं ठीक है माइनस सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच का डिफरेंस निकालना है मतलब सब करना है सबसे छोटा स्टैम्प यहाँ पर क्या था ई e, क्योंकि इसका एरिया सबसे कम है और ये सबसे कम नंबर ऑफ स्क्वायर भी कवर कर रहा है तो ये क्या था फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमको करना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस फोर सेंटीमीटर स्क्वायर सबसे पहले करो 18 माइनस फोर सिंपली 18 माइनस फोर क्या होता है 14 और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर विल रिमेन सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखना स्टूडेंट्स जो यूनिट्स होते हैं जैसे सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, के केस में सेम रहते हैं वो चेंज नहीं होते इसलिए एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस फोर सेंटीमीटर स्क्वायर इज सिंपली फोर्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में वो चेंज हो जाता है जैसे टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई टू सेंटीमीटर ये हो जाएगा क्या टू मल्टीप्लाइड बाई टू विच इज़ फोर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर तो मल्टीप्लीकेशन के केस में चेंज होता है यूनिट बट फाइनल जो आंसर है उसका यूनिट बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में इट रिमेंस सेम इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहा एक एक्टिविटी करना है कुछ पुराने स्टैम्प को कलेक्ट करो इस ग्रिड के ऊपर उसको रखो और फिर उसका एरिया और उसका पेरीमीटर आप कैलकुलेट करो तो इसको आप प्लीज कंप्लीट करो एज अ होमवर्क तो ठीक है स्टूडेंट्स ये था पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर थ्री यहाँ पर हमने सीखा कैसे एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं फॉर डिफरेंट शेप्स अगर कोई फिगर ऐसा है जहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्वायर है तो इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है सिंपली इसका एरिया निकाल लो और फिर इसका पेरीमीटर निकाल लो एरिया का फॉर्मूला ये होता है और पेरीमीटर में सिंपली साइड के लेंथ को हम ऐड कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया था बट अगर कोई फिगर ऐसा है जहाँ पर पूरे फिगर के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे हैं। तो आपको एरिया अगर निकालना है पूरे फिगर का सबसे पहले एक का एरिया उसको मल्टीप्लाई कर दो विद द एरिया ऑफ वन स्क्वायर जो हमने यहां पर किया था जैसे यहां पर चार थे तो फोर मल्टीप्लाइड बाई मतलब इस फिगर के अंदर चार छोटे स्क्वायर थे तो फोर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया क्या आया था वन सेंटीमीटर स्क्वाप्लाइडी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो इस तरीके से आप इजीली एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हो ऑफ डिफरेंट शेप्स तो ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गेस दीज थिंग्स एंड फॉलोइंग टॉपिक्स इन पार्ट फोर तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर थैंक यू